आपको बताते चले कि सितारगंज सीएससी चिकित्सालय के सामने रक्तदान समिति सितारगंज ने भोजनालय खोला है। वहीं उपस्थित रक्तदान समिति के संस्थापक राजीव गुप्ता जी ने बताया कि यह भोजनालय लॉकडाउन को देखते हुए सीएचसी सितारगंज चिकित्सालय के सामने इसलिए खोला गया है ताकि मरीजों के साथ आने वाले भरपेट यहाँ पर सस्ते दामों पर खाना खा सकें। यहाँ पर 10 रुपये में लोग भरपेट खाना खा सकते हैं। और लॉकडाउन को देखते हुए हमने इस भोजनालय का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं शाम को 7 बजे से 9 बजे तक रखा है। हमारे भोजनालय में सभी 10 रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं और इसमें हमारे शहर के चेयरमैन एवं नीरज मिश्रा व अन्य गणमान्य व्यक्ति सुबह से उपस्थित रहे। प्रातः काल 11 बजे से लेकर 2 बजे तक की दिन की व्यवस्था है, उसके पश्चात संध्या व्यवस्था में 7 बजे से 9:15 बजे तक 9:30 बजे तक हमारे द्वारा की जाएगी, जिसका शुल्क हमने यहाँ पर 10 रुपये रखा है। 10 रुपये शुल्क में हमारे द्वारा यहाँ पर व्यक्ति विशेष को फुल पेट खाना खिलाया जा रहा है। जितना वो खाना चाहता है उतना खाना खाया जाता है, उसका पेट नहीं भर जाता है। और सब मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्र जो है, सामने अस्पताल है, अस्पताल के जो तीमारदार लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, उनको हम भोजन करा रहे हैं। और चूंकि इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, समस्त होटल बंद है, तो वो कहीं खाने के लिए परेशान थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर उन्हें भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। चार्जेस उसमें ये है कि जो ऑक्सीमीटर जो 1200 का मार्केट में मिल रहा है वो हम लोग यहाँ पे 500 रुपये का प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके अलावा जो वेपोराइज़र है जो मार्केट में 200-250 का मिल रहा है वो हम 130 रुपये का यहाँ पर दिलवा रहे हैं। और N95 जो मास्क है जो मार्केट में 200-250 का मिल रहा है वो हम यहाँ पर 20 रुपये का दे रहे हैं। और नॉर्मल मास्क हम फ्री बांट रहे हैं। उसके अलावा यहाँ खाने की व्यवस्था है कि आप जानते हैं कि पैंडेमिक सीजन में होटल सारे बंद हैं और लोगों को खाने के लिए चाय पानी के लिए सारी चीज़ें बंद हैं, तो उसमें हम 10 रुपये में पूर्ण थाली व्यवस्था, भरपेट भोजन की व्यवस्था हमने यहाँ पर करवा रखी है।